सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं माता बहनों, बहुत अच्छी बात साहेब जी बता रहे थे। सद्गुरु कबीर के जो विचार हैं, यदि कबीर साहब के समय से उनकी बातों को मान ली जाती, एक विचारक ने लिखा है, तो भारत का बंटवारा ना होता। जो कबीर साहब संदेश देना चाहते थे, वह संदेश बहुत बाद में जब सब कुछ हो गया तो संविधान के रूप में लागू किया गया। यही तो कबीर साहब जी चाहते थे, सभी वर्ग के लोग प्रगति कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं। आज वो हमारे संविधान में है, तो कबीर साहब के विचारों के अनुरूप तो संविधान बना। लागू कितना कर पाते हैं राजनेता, धर्म नेता, ये अलग विषय है। लेकिन कबीर साहब जी का एक सपना था कि ऐसे समाज की रचना हो जहां पर ऊंच नीच, छुआ छूत, छोटे बड़े की भावना न हो। अपना विकास करें हर क्षेत्र में और एक सुंदर समाज और सुंदर राष्ट्र का निर्माण करें। और बहुत सारी बातें हैं उस समय जो संतों को कहते हैं ना, संत एक प्रकार से झाड़ूदार होते हैं, झाड़ूदार, झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला। परंपरा चलती है तो बहुत से उसमें कचड़े आ जाते हैं। भारतीय परंपरा के मूल में देखो तो ये ऊंच नीच, छुआछूत की भावना नहीं थी। और धीरे धीरे जब वर्ण व्यवस्था हुई तब इस प्रकार की बातें, वो भी उस समय काम का बंटवारा ही था, लेकिन धीरे धीरे करके उसको और जकड़बंदी करते चले गए और ये भेद होता चला गया। मनुष्यों के बीच विभाजक रेखाएं मोटी होती चली गई और धर्म के नाम पर बहुत से अंधविश्वास और दिखावा ढकोसला बहुत चलने लग गया। पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, टोना टोटका, ग्रह लगन, मुहूर्त, दिशा शूल, भूत प्रेत, नाम कहाँ तक लिया जाए। आजकल तो टीवी में भी ये एस्ट्रोलॉजी लोग आकर के अपना अंगूठी बेच रहे हैं, नग बेच रहे हैं, लोगों का भविष्य बता रहे हैं। आज से सैकड़ों साल पहले कबीर साहब जी जिस वैज्ञानिक चिंतन का निर्देश किया है, जो वैज्ञानिक विचार दिए, आज के पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते हैं, आश्चर्य है। सृष्टि के नियम को नहीं समझ पाते हैं। पृथ्वी घूमती है, एक चक्र घूमती है अपने आप में, और 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। दिन रात होते हैं, मौसम का परिवर्तन होता है, बस यही तो सब सिस्टम है। कौन सा ग्रह टेढ़ा, कौन सा ग्रह सीधा, और उसको आप पूजा से कोई टेढ़ा हो भी गया तो आप सीधा कर रहे हैं पूजा के बल पर। कोई वैज्ञानिक कोई प्रक्रिया नहीं, समझ नहीं। तो ये बातें तो साहब ने बहुत कही है, जो आज के यदि युवा वर्ग देखें, पढ़े लिखे समाज तो समझ तो सकते हैं, लेकिन बीच में गुमराह करने वाले लोग इतना गुमराह कर देते हैं कि पढ़े लिखों का भी दिमाग उसी दिशा में घूम जाता है। और ऐसी स्थिति में विचारवान संतों की आवश्यकता और बढ़ जाती है, कबीर विचारों की आवश्यकता और बढ़ जाती है। जिसकी सफाई कबीर साहब ने की थी, वो सारे कचड़े फिर से समाज में आकर के लद गए। और केवल कबीर पंथ के बाहर नहीं, कबीर पंथियों में भी वो कचरा आ गया है। संत झाड़ते बहाड़ते रहते हैं। हम सबका दायित्व है कबीर विचारों को पढ़ें और उनके अनुसार जीवन बनाएं, और तभी एक सुंदर समाज की रचना हो सकती है। बड़े हित चिंतक होते हैं संत, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, ईसा हो, मोहम्मद हो, कबीर हो, नानक हो, रविदास हो, कोई भी, किसी भी, लाओत्से हो, कन्फ्यूशियस हो,
एक सुंदर समाज की रचना के लिए उनके मन में बेताबी थी। फूट डालने का काम नहीं करते थे, तो फूट डालने का काम तो जो शासक लोग होते हैं ना, चाहे बाहर के आक्रामक थे भारत में आकर के जो कब्जा करने वाले, वर्तमान के राजनेता भी ऐसे ही हैं, लेकिन संत जोड़ने वाले होते हैं, आपस में समता का वातावरण बनाते हैं, पारिवारिक समता, सामाजिक समता, राजनीतिक समता, पूरे देश ही नहीं पूरी मानवता को। कबीर साहब जी केवल अपने परिवार वालों परिवार की बातें नहीं, उनके लिए सब कुछ था, सब कुछ पूरा परिवार था, पूरी दुनिया थी, तो उनका तो कोई अपना परिवार नहीं था, इसलिए वो किसके लिए रोते थे? ना वो अपने समाज वालों के लिए रोते थे, और जिसका अपना कोई नहीं है उसका सब हो जाता है, इसलिए ना उनका राष्ट्र की सीमा होती है, ना उनके जाति की सीमा होती है, ना संप्रदाय की सीमा होती है, ना पोथी की सीमा होती है, किसी की नहीं। और इसीलिए कबीर साहब ने एक पंक्ति कही है, मैं रो यह जगत को मोको रोए न कोई। मैं किसके लिए रोता हूँ? सामान्य लोग किसके लिए रोएंगे? बेटा, बहू, पत्नी, बच्चे, यही तो रोएंगे, ये ठीक हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा और ऊपर उठ गए, मेरे समाज के लोग, मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूँ वे लोग उन्नति करें। अच्छा, थोड़ा और बढ़ गए तो क्या कहेंगे? मेरे प्रांत में विकास हो। अच्छा, थोड़ा और ऊपर उठ गए, मेरे देश में विकास हो। यही होता है। साहब कहते नहीं, मैं रो यह जगत को, मैं पूरे जगत के विकास के लिए, मैं और केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बड़ी अद्भुत बात है कबीर साहब जी, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, प्राणी मात्र के प्रति उन्होंने वकालत की है, जो अन्य प्राणियों को मारकर खाते हैं, हंसा करते हैं, साहब उनके भी रक्षक हुए। उनका बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, जीव मत मारो बापुरा। कुछ लोग हैं जो गाय मार के खा जाएंगे, कुछ लोग हैं जो सुअर मार के खा जाएंगे, और कुछ लोग हैं जो दोनों मार के खा जाएंगे। एक से परहेज रखेंगे, गाय वाले सुअर नहीं खाएंगे और सुअर वाले गाय नहीं खाएंगे। अद्भुत है ना? साहब कहते हैं सब में तो वही है, जीव मत मारो बापुरा। साहब ये भी कहते हैं, घाव काही पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो। किस पर मैं घाव करूं, किसको चोट पहुंचाऊं, जहां देखता हूं वहां तो सब अपने ही प्राण हैं, अपने ही समान जीव हैं, सबके भीतर तो परमात्मा है, कोई अलग है, क्यों हिंसा कर रहे हो? और ये सोचते हो कि हिंसा करने के बाद, जीव हत्या करने के बाद मैं तीर्थों में जाकर के अपना पाप मुक्त हो जाऊंगा, हीरा दान दे करके, सोना चांदी दान दे करके मुक्त हो जाऊंगा? साहब कहते ये संभव नहीं है। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण। ये पंक्ति सुनो, अब इसमें ना उलटवासी है, ना अलंकार है, ना रूपक है, अभिधा, बस पढ़ो समझो, पढ़ो समझो। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात ना कीजिए बहुर लयत वय कान, तीरथ गए न बाँची हो जो कोट हीरा देवदान। सदगुरु कहते हैं जीव की हिंसा मत करो, और हिंसा कर लिए तो तीर्थों में जाने से और दान दक्षिणा से पाप कटेगा नहीं, ये आप जानो। ये विषय तो मैं साहब कह ही चुके हैं, इसलिए विस्तार नहीं दूंगा, आज कुछ अलग है, इसलिए थोड़ा इस विषय को यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि इस पे बोलूंगा फिर पूरा समय इसी पर चला जाएगा। आज प्रभु भगत जी का जन्मदिन है। पहले महापुरुषों की जयंती मनाने का प्रचलन था, लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है, आप लोग भी मनाते होंगे। आप लोग का बर्थडे नहीं मनाया गया होगा, लेकिन आपके पोते होंगे, नाती होंगे, बर्थडे, और छोटे बच्चे उछलते रहते हैं, बर्थडे माना, बर्थडे माना। मैंने कहा कमाल, एक ख्याल आया, एक छत्तीसगढ़ का एक गांव, गांव नहीं बल्कि जिला, वहां गया, संजोग ऐसा था कि उसी समय पहुंचना हुआ,
छोटे बच्चे का बर्थडे था उस दिन, छोटा ही था, बहुत छोटा था, वो स्कूल भी शायद नहीं जा रहा था। तो कहे बर्थडे, ठीक है भाई, बोला। अब बोला क्या, बच्चा क्या समझेगा। मैंने संस्कार पर बोला कि बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार दे ताकि उनका एक सही इंसान के रूप में विकास हो सके। फिर अब वो लोग आ गए थे उनके साथ, अब उनको गिफ्ट देने वाले। अब वो क्या हुआ, सामने टेबल रख दिए और उसको कुर्सी पर खड़े कर दिए, क्योंकि बहुत छोटा था, कुर्सी पर खड़ा हो गया। अब लोग आकर के उनको लिफाफा देते थे, कुछ सामान देते, वो सबको संभालते चला जाता था, लिफाफा को पकड़ता था, संभालता था। मैंने कहा देखो कितना संभालना भी से सीख गया है, इनको पता है, और इतना खुश, आज बर्थडे है, पहले नहीं होता था। मैंने कहा ना, पहले महापुरुषों की जयंती, चाहे कबीर जयंती, बुद्ध जयंती, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी, वो भी जयंती है, रामनवमी वो भी जयंती है, ईसा मसीह क्रिसमस के वो भी जयंती, ये सब जयंतियां होती थी जन्मदिन के। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानवता के लिए कुछ किया, मानवता के लिए, वो मानवता मतलब पूरी दुनिया के लोगों के लिए उन्होंने किया है, चाहे ईसा के ही मनाए, लेकिन ईसा कोई ईसाइयों का थोड़े है, बुद्ध केवल बौद्धों का है, और कबीर केवल कबीर पंथियों के कोई डिबिया में बंद होने वाले हैं कि हम माने कबीर पंथी, कबीर हमारे, कबीर हमारे। इसका मतलब है आप सत्य को छोटी सी डिबिया में बंद करना चाहते हैं। कबीर सबके, जैसे सूर्य किसके हैं, सबके हैं, हवा किसकी है, सबकी है, ऐसे ही ये महापुरुष सबके हैं। और जिन्होंने सबके हित के लिए किया, आज ऐसे लोगों की याद करते हैं, और याद करके नहीं कि उनका फायदा करते हैं। जब कबीर जयंती के समय कबीर की याद करें, चैत्र नवमी के दिन में, रामनवमी के दिन में हम श्री राम की याद करें, तो क्या उनको फायदा होता होगा? आज तो हमारी याद कर रहे हैं, बहुत खुश है। ये बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता है इससे उनको, फायदा हमें होता है। हम अपने लाभ के लिए उनकी यादें करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, और एक संकल्प लेते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो संदेश दिया, ऐसे ही जीवन में जीने का संकल्प लेता हूँ। आपने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलने का मैं निर्णय लेता हूँ। पहले भी जानता था, लेकिन गलतियां हो जाती थी। फिर से आज आपके को याद करते हुए, आपके विचारों को याद करते हुए, आपके संदेश को याद करते हुए, मैं स्वयं चलूंगा और दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करूंगा। ये जयंती मनाने का फल है। तो होता था ये, लेकिन आजकल तो प्रचलन है, लेकिन अब वो प्रचलन चल पड़ा है, रोक नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात क्या हो जाती, लोग केक लाते हैं काटने के लिए, काटने का नहीं है प्रचलन हमारे यहाँ, सही है ना? और क्या करें, वो मोमबत्ती जलाएंगे, उसको फूंकते हैं। कई बार मैं कहता हूँ, मोमबत्ती जलाकर फूंको मत। यदि किसी का जन्मदिन मनाते भी हो, तो हमारे यहाँ का प्रचलन क्या है, दीप प्रज्वलन होता है ना, कोई भी सभा का उद्घाटन होता है तो दीप प्रज्वलित की जाती है, दीप जलाना। संतों की भी आरती होती है, एक दीप जलाई जाती है, एक ज्योति ज्ञान का प्रतीक है, वो आत्मा का प्रतीक है। जैसे वो ज्योति है, ऐसे ही ज्ञान की ज्योति सबके भीतर है, लेकिन हमको अपनी श्रद्धा को समर्पित करनी है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, तो हम बाहर से प्रतीक लगाते हैं और आरती करते हैं कि जो ज्योति बाहर दिख रही वही ज्योति सबके दिल में है। अब थोड़ा उससे कनेक्टिविटी करना है, इसलिए हम आरती वंदन कर लेते हैं। तो क्या होता है, वहां पर तो फूंका जाता है, नहीं यहाँ जलाया जाता है। फूकेंगे ज्योति को, फूकेंगे तो अंधेरा होगा, और ज्योति को प्रकट करेंगे तो क्या होगा, प्रकाश होगा, सही है ना? तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये हमारे यहाँ का संदेश है भारतीय संस्कृति का। क्या कहा गया, अस्तो मा सदगमय, तमसो मा जो तमस, अंधकार से प्रकाश की ओर, ये परंपरा है। और पुरानी वो पश्चिम की परंपरा कर रहा है, प्रकाश है उसको अंधेरा करो, सही है ना, उल्टी है कि नहीं है? लेकिन हम लोग तो भेड़ चाल। कबीर साहब जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, अच्छा तब भी था, एक परा जो गाढ़ में सभी गाढ़ में जा, एक भेड़ को आप गड्ढे में गिर गया तो एक ख्याल आया, एक चुटकुला बच्चों वाला। एक विद्यालय था,
तो टीचर ने पूछा, शिक्षक ने पूछा बच्चों से, ये बताओ एक गड़रिया, उसके पास में 50 भेड़ थे, एक भेड़ नदी में कूद गया, गिर गया, तो बताओ कितने भेड़ बचे। सबने कहा 50 में से एक माइनस कर दो, कितने बचे? 49। सब बता रहे थे, एक लड़का कहा नहीं सर गलत है उत्तर। अरे गलत क्या है, एक गया तो। ये लोग गणित के जानते हैं, गणित को जानते हैं, और मैं बताता हूँ भेड़ के स्वभाव को जानता हूँ, क्योंकि मैं उसी घर से हूँ। एक गिरेगा तो कोई भी नहीं बचेगा, सब गिर जाते हैं। ये कबीर साहब जी ने देखा था। साहब ने क्या कहा था, एक पराजो गाढ़ में सबे गाढ़ में जा। कैसी पूरी साखी हो, हाँ, कैसी गति संसार की ज्यों गाडर को ठाट। ये बहुत बड़ी बात मार्मी, ये हथौड़ा तो है लेकिन हम लोग तो पत्थर हो गए ना, हथौड़ा लगता ही नहीं। समस्या यही है, संत जन चोट पर चोट करते चले जाते हैं लेकिन ऐसा प्लास्टर हो गया ना ऊपर से। ठीक है साहब, कहा करो कहा करो, हम तो झाड़ करके जाने वाले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं भाई ऐसा ना करो, साहब का संदेश है। साहब कहते हैं ये काम नहीं करना है, क्या करना है, दीप प्रज्वलन, काटो मत जोड़ो। यदि काटने का भी है तो केक लाने के क्या, जो बिल्कुल केमिकल से सब बना हुआ है, जो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए नुकसानप्रद है, आप फलों को कर लो। आपके पास देखो आजकल तो वाटरमेलन आ रहा है ना, तरबूज आ रहा है, उसको मन ये कर लो। कोई भी फल आता हो उसको कट खाओ खाओ, वो स्वास्थ्य के लिए है। लेकिन क्या है, लोग करते हैं ना, अरे साहब केक के तो एक बड़े से बाजार चल गया है केक बनने की। बदलो, संतों से जुड़े हो वो झंझट को छोड़ो, घरों में बदलाव करो थोड़ा बहुत। बहरहाल आज प्रभु भगत जी का जन्मदिन है, तो ये तो मैं नहीं कहूंगा भी हैप्पी बर्थडे, लोग कहते हैं ना। अच्छा आप कितने साल के हो गए, देखो भूल गए पुस्तक के देखना, कितने साल के हो गए? हाँ 72 years old, 72 साल के हो गए। देखिए नदी होती है ना, नदी के दो तट होते हैं और उन दोनों तटों के बीच जलधारा प्रवाहित होती है। ऐसे ही हमारे जीवन के दो तट हैं और इन दोनों के बीच एक तट है जन्म और दूसरा तट है मृत्यु। ख्याल करिए, एक तट है जन्म और दूसरा तट है मृत्यु, इन दोनों के बीच में जीवन धारा प्रवाहित होती है। महत्वपूर्ण ना जन्म का है, महत्वपूर्ण ना मृत्यु का है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, इसलिए कह रहा हूं कि जन्म के पहले हमने कोई चुनाव नहीं किया था। जन्म के पहले क्या हम लोगों ने यहाँ प्रभु भगत जी चुनाव किए थे, नहीं मुझे बिहार में जन्म लेना है, अमुक माँ के ही गर्भ में जाना है, वैशाली अंचल में ही मुझे, वैशाली के पास ही मुझे जन्म लेना है, कोई चुनाव तो था नहीं, बस हुआ हो तो। इसलिए जिसमें आपका चुनाव नहीं, जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उसका कौन महत्व है, वो मिला आपको, जन्म मिला, सही है कि नहीं है, आपने कोई प्रयत्न किया नहीं। इसी प्रकार मृत्यु, कहां मरेंगे, कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, ये हम, ये हमारे वश में नहीं है, लेकिन कैसे जिएंगे ये हमारे वश में है, ये हम तय करते हैं। इसलिए ना जन्म का महत्व है, ना मृत्यु का महत्व है, ना अतीत का, ना भविष्य का, महत्व है वर्तमान का, महत्व है जीवन का। यदि हमने जीवन को सार्थक किया, यदि हमने जीवन को सफल बनाया, तो आपको मैं बताना चाहता हूं फिर आपका जन्म भी सार्थक हो गया और आपकी मृत्यु भी सार्थक हो गई। क्यों? जन्म के समय तो सब बराबर थे। सदगुरु कबीर की पंक्ति याद करो, तैया हम तुम एकै लोहु एकै प्राण व्यापै मोहु, एकै जनी जना संसारा। चाहे वो ब्राह्मण के घर पैदा हो बच्चा छोटा सा, चाहे वो क्षत्रिय के घर हो, चाहे वो वैश्य के घर हो, चाहे शूद्र के घर हो, चाहे इस्लाम, कोई भी, क्या होता है, एक ही तो ढंग है पैदा होने का, एक ही तो ढंग है। तो पैदा के सब, पैदा होने के बाद तो सभी वही बस लपटे हुए हैं, अंदर कहां से आता है,
आगे चल करके उनके जो जीवन जीने का तरीका है बस यही अंतर डाल देता है। जीवन में आप सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, बीमार पड़ते हैं, सफल होते हैं, असफल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मूढ़ होते हैं, धनी होते हैं, गरीब होते हैं, क्यों होते हैं? एक चीज मैं पूछूं, आप लोग यहां सब लोग बैठे हुए हैं, अच्छे लोग बैठे हुए हैं, हम में से कई लोग तो होंगे जो भोजन बनाना जानते हैं, सही है ना? भोजन बनाना जानते हैं। और कोई आकर कहे कि देखो आप लोगों में से 10 लोग ऐसे हों जो आ जाएं और भोजन बनाना जानते हैं, मैं थोड़ा सा एक काम करना है मुझे। अच्छा ठीक है, 10 लोग आ गए और भोजन बनाने के लिए कहा गया, लेकिन कैसे कहा गया? सबको अलग अलग काउंटर दिया गया, अलग प्लेटफॉर्म रहा, बर्तने अलग, सिलेंडर गैस और भोजन की सामग्री सब के लिए 10 काउंटर लगे, और भोजन की सामग्री जो थी ना वो सेम, चावल वही सबके लिए, दाल वही, सब्जी सबके लिए, सब मल मसाला जितना चाहिए उसके लिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सब कुछ सेम सेम डिवाइड कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया और कहा गया भोजन बनाओ, और 10 ने भोजन बना के तैयार किया। छोटा सा प्रश्न यह है, क्या वो सारे जितने लोग भोजन बनाए, 10 लोग भोजन बनाए, सभी के भोजन का स्वाद एक समान होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, सभी जानते हैं। फिर से पूछ रहा हूं, क्यों अलग अलग होगा? बस यही उत्तर, बनाने का तरीका अलग अलग है। हम लोग में जीवन का जो स्वाद है ना, वो क्यों अलग अलग है? जीने का तरीका अलग अलग है, सही है ना? जीने का तरीका अलग अलग है। यदि हमारा जीने का तरीका सही है तो जीवन का स्वाद कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। और जीने का तरीका गलत हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। स्वाद कहीं कड़वा स्वाद है, कहीं मीठा है, कहीं स्वादिष्ट है, कैसा लगता है? आज क्या अनुभव करता है? 72 years, 72 साल बीत गए। आप जरा सोचो, इस जीवन में मैंने क्या पाया? मन का ठहराव या मन का भटकाव? कमाई क्या है? सोचो जरा से। यदि कोई पूछे आपकी उपलब्धि क्या है, ये तो केवल संकेत है ना, एक प्रतीक है प्रभु भगत जी, हम सब अपने लिए सोचें। यदि कोई आकर के पूछे आपकी उपलब्धि क्या है, मान लो यहीं पर सद्गुरु कबीर आ जाएं, बताओ अपने जीवन की उपलब्धि, आप तो 75 साल के हो गए, 80 साल के हो, क्या उपलब्धि है? आप क्या कहेंगे? देखो मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, यही तो कहेंगे ना? क्या मैंने इतनी बड़ी जमीन खरीद ली, इतना बड़ा, इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली? साहब खुश होंगे? आपको क्या लगता है? अच्छा, ये बात हमको गुरुदेव जी से पूछते या बुद्ध से पूछते आपकी उपलब्धि, तो क्या वही कहते? वो उनकी जो परम उपलब्धि थी क्या थी? वो है अपने आप में लौट आना, उनके भीतर की गहरी शांति, दुख निवृत्त हो जाना, यही तो उनकी उपलब्धि थी। क्या हमने वह कुछ उपलब्धि पाई है, या फिर उस उपलब्धि की ओर गतिमान है? मैं नहीं कह रहा हूं कि हमको सत्य मिल ही गया या मिल जाए, लेकिन सत्य के लिए प्यासे न होना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कभी भी मन में ये नहीं चाहे कि मैं सत्य का अनुभव करना चाहता हूँ, मैं शांति का अनुभव करना चाहता हूँ, जिस निर्वाण और मुक्ति की चर्चा संत जन करते हैं, मुझे उसका भी अनुभव करना है, उसके लिए प्यास ही नहीं जगती भीतर, क्या होगा? वहां पहुंचेंगे? हम किसके लिए प्यासे हैं? क्षुद्र के लिए, क्षणिक चीजों के लिए। दो प्रकार के आस्तिक होते हैं, समझ रहे ना? आस्तिक दो प्रकार के आस्तिक होते हैं। एक आस्तिक वे हैं जो भौतिक पदार्थों में आस्था रखते हैं, दुनिया में आस्था रखते हैं। वे आस्था रखते हैं कि हम जब भौतिक उपलब्धि प्राप्त कर लेंगे, हमारे पास एक बड़ा मकान आ जाएगा, बड़ी गाड़ी हो जाएगी, कपड़े हमारे बहुत कीमती और भोजन बड़े अच्छे हो जाएंगे, बैंक बैलेंस बहुत हो जाएगा, हमको सब कुछ हो जाएगा, तब हम आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे, फिर हमें आनंद का अनुभव हो जाएगा। आस्था कहाँ है? ये बढ़े तो मैं आनंदित हो जाऊं, ये बढ़े तो मैं खुश हो जाऊं, शांत हो जाऊं,
कहाँ है आस्था? भौतिक चीजों में, ध्यान दीजिए, भौतिक चीजों में, वस्तुओं में आस्था है, वो भी आस्तिक हैं, वो भी आस्था है ना उनके प्रति। लेकिन एक दूसरे प्रकार के लोग हैं जो ये मानते हैं आध्यात्मिक जीवन के विकास में आनंद का अनुभव होता है। दो हैं, एक आध्यात्मिक जीवन के विकास में आस्था रखने वाले, और दूसरे कौन है? जो भौतिक चीजों के विकास में आनंद का अनुभव करने वाले। हम सभी समझ रहे ना क्या परिणाम आएगा? सद्गुरु कबीर की एक पंक्ति है, ई जग तो जहड़े गया भया योग ना भोग, तिल छारी कबीरा लिए तिलेठी जा रे लोग। ई जग, ये जगत के लोग तो जहड़ना मने ठगा गए। कैसे ठगा गए? भया योग ना भोग, होना क्या चाहिए? मानव का जीवन मिला तो योग साधना करके आप जीवन में एक परम सत्ता का अनुभव कर ले, गहरी शांति का अनुभव कर ले, तभी तो जीवन सार्थक है। ये तो ईसा मसीह ने भी कहा है, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है। महाजीवन शाश्वत जीवन, वह जीवन जो कभी अंत नहीं होता है, उसका अनुभव नहीं हुआ, कहीं बाहर थोड़ी है। मैं एक चीज और बताऊं, आप यहाँ बैठे हैं, क्या आपसे अलग कोई सत्य है जिसको खींच के लाना है भीतर? आप यहाँ हैं, क्या परमात्मा अलग बैठा है उसको खींच करके हमारे भीतर लाना है? आप यहाँ हैं, शांति कहीं अलग रखी जिसको भीतर इंजेक्ट करना है उसको, या सुख वहां रखा है जिसको अंदर लाना है? आपसे अलग कुछ सत्य है, आपसे अलग कोई शांति है और आप में डाल दिया जाए तो क्या लगता है वो स्थिर होगा? वो स्थिर होगा? वो क्षणिक होगा, वो क्षुद्र होगा, कुछ समय के लिए होगा, वो आपकी संपत्ति नहीं हो सकती है, उसे आपको छोड़कर जाना होगा। वस्तुतः होता क्या है, जनरली आपको न सत्य बाहर से पाना है, न परमात्मा बाहर से पाना है, न शांति बाहर से मिलने की चीज है, न सुख बाहर से मिलने की चीज। साहब ने तो कहा है ना, सब सुख तेरे पास, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख। सद्गुरु कबीर ने नहीं कहा कि मेरे पास सुख है, मेरी शरण में आ जाओ, मैं मुक्त कर दूंगा। ये धोखा देने वाले कबीर साहब जी नहीं थे। उसने कहा नहीं, वो सब तुम्हारे पास है, मैं रास्ता बता रहा हूँ, जैसे मैं हूं मुझ ही ऐसा हो रहो। जैसे मैं सबसे निष्प्रेय हो गया, अचाह में आ गया, वैसे निष्प्रेय हो जाओ, बस सब सुख तेरे पास। अब तुम करना ही ना चाहो, मतलब यह भी मिले वह भी मिले। हम लोग सुने हैं ना, माया मिले न राम, ये दो में से एक ही मिलेगा ना, या तो या कहो। गोस्वामी जी की पंक्ति है, क्या है? जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहां सूर्य हो अंधकार नहीं, जहां अंधकार हो वहां सूर्य नहीं। एक बार कहा जाता है कि जो सृष्टि के नियामक, तो उनके पास में अंधेरा गया शिकायत करने के लिए कि हुजूर आपकी सृष्टि में सबको जीने का अवसर है ना? हाँ, सबको जीने का अवसर है, तो फिर देखो ना, मेरे पीछे ये सूर्य लगा हुआ है, बस मुझे तो चैन की नींद नहीं लेने देता, बैठने नहीं देता है, बस जहां जाता हूँ वहीं पीछे पीछे चला जाता है, मुझे भागना पड़ता है। आप सूर्य को समझा दो कि आप अपनी जगह रहे, सूर्य अपनी जगह रहे, मैं अंधेरा हूँ, मुझे अपनी जगह रहने देना चाहिए, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? उसने कहा कि ठीक कहते हो, सबको जीने का अधिकार है, ठीक है, कभी सूर्य आएगा तो मैं समझा दूंगा उसको। वो चला गया बहुत दिनों के बाद में, फिर सूर्य आया एक दिन कुछ बैठक किसी बात को लेकर के, तो उसने कहा कि सूर्य क्यों अन्याय कर रहे हो किसी के प्रति, सबको जीने का अधिकार इस सृष्टि में, क्या हो गए हुजूर? अरे वो अंधकार को परेशान कर रहे हो तुम, अंधकार के पीछे पीछे पड़े हुए हो, भागा चला जाता है बेचारा चैन के, वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसने सूर्य ने कहा अंधकार क्या होता है, आज तक तो मुलाकात है, मैंने क्यों परेशान करूंगा? गजब है, आप ठीक है, आप तो अब शिकायत कर ही रहे हैं, मेरा एक निवेदन है आपसे, एक बात, आप अंधकार को मेरे सामने ले आइए, मैं उनसे क्षमा याचना कर लेता हूँ। क्या कहा? अंधकार को मेरे पास ले आइए, मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ। क्या सृष्टि का नियामक ऐसा कर सकता है कि सूर्य के सामने अंधकार को ले आए? नहीं हो सकता है, सही है ना? कितनी अच्छी बात, रवि रजनी एक ठाम,
अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं, आप दोनों चाहेंगे। साहब कहते हैं ई जग तो जहड़े गया भया योग ना भोग। योग साधना करके आत्म शांति का उपलब्ध होना चाहिए। कहिए नहीं, क्या कि उसको छोड़ दिए, भोग में लगे, भोग में लगे। अंत में क्या हुआ, भोग भी छोड़ना पड़ेगा। एक अवस्था आएगी आपको भोग, और नहीं भी आई एक समय मौत आएगी। लब्ध्वा पिचा बहुन लाभान चिरं भुक्ता सुखान्यपि रिक्त हस्तस्य नग्नस्य यास्यां मुस्तो यथा। नीतिकार ने कहा कि बहुत लाभ कमाया, बहुत पाया, लेकिन हुआ क्या, रिक्त हस्तस्य नग्नस्य बहुत ऐश्वर्य। अंत में क्या हुआ, काल आई, मौत आई, और क्या काल आया और मौत आई, और क्या कहता है, रिक्त हस्तस्य। जैसे एक आदमी रास्ते में जा रहे हो, सब कुछ छीन ले, कपड़ा भी उतार ले और उसको खदेड़ दे, बस यही दशा होगी हमको। जो कुछ है सबको छीन करके हमें खदेड़ देगी, मौत आएगी, सब कुछ को हटा देगी। सही है ना, कुछ बचेगा। यदुपते क्वागता मथुरापुरी और क्वागता उत्तर कोसला, ये एक अभी विस्मृत हो रहा है। भाव यह है कि रघुपति का कौशल और यदुपति कृष्ण का मथुरा, वहां का ऐश्वर्य क्या हुआ, सब छोड़ कर गए। आप चाहे रामायण पढ़ो, चाहे महाभारत पढ़ो, अंत क्या हुआ मुझे बताइए। आप लोग पढ़े होंगे, रामायण का अंत क्या हुआ, महाभारत का अंत क्या हुआ, आप यदि जानेंगे तो क्या हुआ, दुखांत। सुखांत नहीं हुआ है, उसका अंत दुखों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। राम अंत में कहां गए, पूरी अयोध्या वासियों के सहित सरजू नदी में समा गए। और उसके पहले दर्दनाक घटना क्या हुई, वो रक्षमण को मृत्यु दंड देने की बात थी, लेकिन कहा गया मृत्यु दंड तो न दीजिए, इनको देश निकाला कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं जाकर के अपना शरीर सरजू में विलीन कर दिया, एक प्रकार से जल समाधि पाते हैं। कुल मिला करके वो जा करके डूब गए, जैसे कोई आजकल छलांग लगा देते ना किसी नहर नदी में, वैसे वो जा करके डूब गए। और सीता माता के बारे में जानते हैं सभी लोग, क्या हुआ, धरती को कहे कि हमको जगह दो, हम वहीं समाएंगे, ये अब मनुष्य समझ नहीं सकते हैं हमको। सही है ना, धरती फटी। अब फटी क्या धरती है, कहीं पर ऐसी चीज रही होगी, उसने अपना उत्सर्ग कर दिया। और रामपुरी इसी होगी, दुखांत है ना। महाभारत की स्थिति सभी समझते हैं क्या हुआ था। कृष्ण की स्थिति समझो क्या हुआ मथुरा में, यादवों के जो महाभारत कौर लड़ाई, देरी हो रही है, चलो वो क्या कह रहा था, महाभारत युद्ध के 36 साल बाद, महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद कौरों यादवों की क्या दशा हुई जानते हैं आप, पढ़ लेना महाभारत को। अब हम लोग सुनते हैं ना ऊपर ऊपर, अच्छा हम रामचरितमानस के बड़े आदी हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखो तो पता चले कच्चा चिट्ठा, हम लोग तो यही पढ़ते रहते ना, उसके पढ़ करके देखो तब सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बना के कह रहा हूँ, काल्पनिक कह रहा हूँ, शास्त्र गत है। महाभारत में यही बात आई है, 36 साल बाद कौरों में क्या हुआ, यादव वंश में इतनी शराब पीने की आदत हो गई, जुआ खेलने की आदत, आपस में लड़ाइयां खत्म हो गई थी आपस में सबकी, तो आपस में लड़ते थे सब परिवार के लोग। ये नियम है, यदि आप अपने बच्चों को लड़ाई सिखाओगे दूसरों से लड़ना, तो वो लड़ाई जब बंद हो जाएगी तो आपसे लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई के संस्कार मत दो किसी को भी, तो लड़ाई के संस्कार से शुरू से लड़ना भिड़ना मारना काटना, अब लड़ाई खत्म हो गई तो अब क्या करें, आपस में लोग लड़ते थे और शराब पीते थे, शराब बनना बंद नहीं हुआ। अंत में निवेदन किया कृष्ण ने वहां के राजा से, और एक आज्ञा जारी की गई, एक संदेश, एक मुनादी कराया गया कि जो भी शराब बनाते मिलेगा या पीते मिलेगा उसको मृत्यु दंड, इतनी कठोर सजा, जो भी शराब बनाते मिलेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगी, शराब बंदी। आप लोग जानते हैं ना कहाँ है, बिहार में अभी कुछ वर्षों से शराब बंदी है। सही है, क्या शराब पी जाती कि नहीं पी जाती बताओ मुझे,
वो देखो, मैं तो नहीं, मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आप, मैं बताता हूँ क्या हुआ है, सच बताता हूँ। अभी मैं कहाँ था, जयनगर, मैं कहाँ था, जयनगर में था। जयनगर से बिल्कुल सीमा है नेपाल का, बॉर्डर है, वहीं पर है इनरवा। वहां पर जब सुबह वॉकिंग में, मॉर्निंग वॉक से हम लोग जाते थे, तो पीछे मोटरसाइकिल में बोरियों में भर भर के अंदर आ रहा था। एक सज्जन कहे, सब शराब भर के जा रहे हैं ये लोग। मैंने कहा कि शासन इस पर कोई निगरानी नहीं रखती है, कौन ध्यान देता है, सोचो जरा से। बस ये बात कृष्ण के समय भी थी, कृष्ण के समय भी थी, इसके बावजूद शराब का बनना नहीं रुका, शराब पीते गए और आपस में पुरानी बातों को याद करके सभा भवन में मार काट, एकदम पूरा काट डाले। अंत में अर्जुन को संदेश दिए भगवान कृष्ण, आओ और जो कुछ स्त्रियां बची हैं, बच्चे बचे हैं, बूढ़े हैं, उनको ले जाओ, और कुछ जो माल सामान है, जो भी धन है, उसको ले जाओ। ले जा रहे थे, अंत में आए और फिर अर्जुन उनको खोजे, कृष्ण के शरीर को खोजे, वासुदेव शरीर को, बलराम को खोजे और चिता दिए और फिर ले गए। लेकिन रास्ते में कोल भिल लूट लिए उनको, वही भिल्लिन वही कबीर साहब की पंक्ति है ना, कि सब दिन होत ना एक समाना, एक दिन महाभारत, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, और एक दिन भिल्लिन लोटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। जो गोपी गोपिकाओं को ले जा रहे थे अर्जुन, सब लूट लिए, सब दिन होतना एक समाना। खैर ये तो विषय अलग हो जाएगा, मैं ये कह रहा था जीवन बहुत मूल्यवान बना है, जीवन को महत्वपूर्ण बनाओ, और जीवन यदि महत्वपूर्ण होता है तो हमारा जन्म भी सार्थक हो जाता है और मृत्यु भी सार्थक हो जाती है। अब छोटा सा समय है, थोड़ा समय है, उसमें ये समझना है कि जीवन को सार्थक कैसे बनाएं, महत्वपूर्ण यह है जीवन को सफल कैसे बनाएं, कि ताकि हम जो कुछ बचा है, देखिए जीवन के जितने हिस्से बचे, अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था कुछ दिन पहले ही, उसमें एक बात आई थी, पहले कुआं होता था ना, जब पहली बार प्रभु भगत के यहाँ आया था, उनके यहाँ तो सामने कुआं था, अभी भी होना चाहिए घर के सामने कुआं, तो कुआं से पानी निकालना होता, कई कुआं तो बहुत गहरे, जब हम लोग आगरा की तरफ जाते थे, कुआं तो 100-100 फीट, 80-80 फीट रस्सी लगती थी उसके लिए, तो वो गहरा कुआं तो होता क्या है, मान लो 80 फीट के पानी नीचे गहरे में है, तो आपके पास बाल्टी है, रस्सी है, क्या होता है उस बाल्टी और रस्सी को आप पूरी तरह नीचे डाल देते हैं, कितना आपके पास हाथ में होता है, 2 फीट, समझ रहे हैं ना, 2 फीट, लेकिन वही 2 फीट वहां से पानी को खींच लेता है, सही है ना, जो आपके हाथ में है उसके सहारे, जो नहीं है उसको भी वापस ले आते हैं, और वो भी छूट गया तो तब तो सब गया। इसलिए क्या करना है, वहां संदेश क्या देना था लेखक का, उनका कहना था जो जीवन में बचा समय है यदि इसे आप संभाल लिए, तो जो बिगड़ गया है ना वो भी वापस आ जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, सही है ना, वो भी आ जाएगा। यदि कहीं रस्सी कटी न तो बाल्टी मिलेगी, यदि रस्सी छूटी तो, और न पानी मिलेगा न रस्सी मिलेगी, सब कुछ खो जाएगा। जो अतीत बीत गया है, जो समय बीत गया है, गुरुदेव जी की पंक्ति है, बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें, वर्तमान समय अपना है, आज हमारे पास है, बस आज। और आज का मतलब क्या होता है, आज का मतलब आज आपका जन्मदिन है, आज का मतलब आज की परिभाषा क्या है, आज किसे कहते हैं, आज का मतलब होता है बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन। रिपीट कर रहा हूं, आज का मतलब है बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन। 72 साल के बाद अब जितना जिएंगे उसका आज पहला दिन है, बस क्योंकि अब पीछे जाकर के नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं, जो बीत गया मानो मर गया, वो लौटा नहीं सकते, उसमें सुधार नहीं कर सकते कि उसे ठीक करें, पीछे जाए और नट बोल्ट ठीक करें, नहीं। और भविष्य तो अभी आया नहीं, भविष्य तो अभी आया नहीं, उसे कैसे ठीक करेंगे। लेकिन एक पुस्तक मैंने पढ़ी, सुखद भविष्य का निर्माण करें, नहीं सुखद भविष्य का निर्माण कैसे करें, बहुत अच्छी बात, सुखद भविष्य जो अभी आया नहीं है। अच्छा योग दर्शन में भी ये सूत्र आया है, छोटा सा सूत्र, सभी छोटे छोटे हैं योग दर्शन में, एक सूत्र है उसमें से कि हेयम दुखम अनागतम,
साधना की पुस्तक है। छह शास्त्रों में एक ही शास्त्र ऐसा है जो साधना पर है, बाकी सब तत्व चिंतन में है। कभी अवसर मिले तो योग दर्शन पढ़ना, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो उसमें एक सूत्र है, हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम, दुखम दुख, हेयम माने त्याज्य है, हे त्याज्य है, क्या दुखम अनागत, एक होता है आगत, अभी अभी आया हुआ, देखो भाई साहब अभी आए, आगत अनागत, जो अभी आया नहीं है रास्ते में, आया नहीं है, क्या कहते हैं, जो दुख अभी आया नहीं है उसको त्याग कर दो, ये ऋषि कहते हैं। संदेश क्या देना चाहते हैं, संदेश यह है कि आज जो करते हो वह कल के लिए होता है। आज जो करते हो, कल कहां से आएगा, कल कहां से आएगा, आज के गर्भाशय से कल का जन्म होता है। फिर से कहूं, आज के गर्भाशय से कल का जन्म होता है। आज सबका अलग अलग है, आप कैलेंडर वाला तारीख मत देखिए, सबके लिए बराबर है, सबका अलग अलग आज है, सबकी अनुभूति, सबके अलग अलग, सबकी फीलिंग्स अलग अलग है, सबका अलग अलग है। कहां से आया आज, एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है। वो इसी क्षेत्र के मुंगेर कहते थे, वो मुंगेर तरफ के संत पथिक जी, पथिक जी महाराज, उन्होंने पंक्ति लिखी है, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभा शुभ जैसा किया है, बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो, अब न बोना, उठो मानव आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना। हो गई गलती, कल मैंने थोड़ी कुछ बातें कही थी, गलतियां चाहे जितनी हो गई हो और जितने लंबे समय से गलती हो रही हो, आप आज से नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नया बदलाव रख सकते हैं, कर सकते हैं, एक नया अध्याय शुरू कर सकते हैं, एक नया दिन रोज मिलता है। जैसे एक कापी हो, जब हम लोग पढ़ते थे, आप लोग भी पढ़ते रहे होंगे, तो जब सत्र खत्म हुआ, कापी अंतिम अंतिम सत्र का समाप्त होता था, तो कापी खत्म हो गई तो लेनी पड़ती थी, रफ करने वाली कापी या जैसे भी कापी होती थी तो उसको लेते थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, 8-10-20 पन्ने ही खर्चे हुए, बाकी सब बचे हुए हैं, क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, नहीं, जो बचा है फ्रेश। इसी प्रकार हमें एक जीवन को कापी की तरह माने, और हर पन्ने हर दिन है, मान लो इतने लंबे समय तक आप उसमें जो पन्ना मिला फ्रेश शुरू में मिला, लेकिन आप उसमें आड़ी तिरछी लकीरें गोल गोल बनाते रहे, कोई अक्षर नहीं, कुछ भी नहीं, बस यूं ही उसको बस रंगते चले गए कापी के पन्ने को, जिससे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, कोई लाभ नहीं, ना आप व्यवहार के क्षेत्र में प्रगति कर पाए, ना साधना के क्षेत्र में प्रगति कर पाए, बिल्कुल एक प्रकार से अनप्रोडक्टिविटी जीवन जिए, आप अनुत्पादक जीवन जीते रह गए। लेकिन आज लगता है नहीं, बस अब जीवन में कुछ हम करेंगे, जो बीत गया उसको नहीं ला सकते, लेकिन आज मैं निर्णय लेता हूं, आज से कुछ मैं करूंगा, तो जानते हैं क्या होगा, आप चाहे जितनी लंबे समय से गलती कर रहे हो, अर्थात जितने पन्ने आप भर चुके हो, अगला पन्ना फ्रेश मिलेगा, कापी पलटेंगे अगला पन्ना फ्रेश मिलेगा ना। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक कविता लिख सकते हैं, एक सुंदर विचार लिख सकते हैं, एक कहानी लिख सकते हैं, और जो पन्ने जिसमें आपने कुछ लिखा नहीं, उसको आप या तो सेलो टेप लगा सकते हैं, या फिर स्टेपलर करके उसको स्टिचिंग करके बंद कर सकते हैं, लेकिन जब खोलेंगे क्या होगा, एक फ्रेश पन्ना, नया पन्ना। जीवन में अभी भी अवसर है, रोज दिन मिलता है हमको जीवन सुधार के लिए, रोज एक सुबह आती है, हमें पूछना चाहिए, सूर्य निकला और सूर्य अस्त होते समय सूर्य पूछता है, सूर्य उदय हुआ और सूर्य अस्त होते हुए सूर्य पूछता है, क्या जब उदय हुआ था तुम जैसे थे, क्या अस्त होते होते वही हो कि कुछ बदले हो, वही हो जैसे सुबह थे, कुछ आया चेंजिंग, कुछ अच्छा किए, कुछ इंप्रूव किए, अच्छा किए कि नीचे की ओर गए, जरा पूछो, जरा आप जरा जीवन को झांकेंगे ना, एक कवालीम बात आई, जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है, जिस दिन आप जिंदगी के महत्व को समझ लेंगे ना, आप रोएंगे, मैंने क्यों खोया इस जिंदगी को, किस लिए बर्बाद किया, आप सोचो तो किस लिए बर्बाद किया,
जीवन के इस अवसर पर जो हमें जीवन मिला है, इस अवसर पर हम क्या कर सकते हैं? धन कमा सकते हैं, बड़ा मकान बना सकते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर जा सकते हैं, बहुत सारी विद्याएं अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उन सबको दे करके जीवन के एक क्षण को नहीं बढ़ा सकते। इतना मूल्यवान ही क्षण हमारा, हम किसमें खो रहे हैं? सुबह सूर्य निकला, अस्त होते होते पूछता है, क्या पाया तुमने, क्या कमाया, कुछ प्रगति हुई, कुछ शांति की ओर बढ़े या फिर अशांति की ओर बढ़ते चले गए? जीवन विकास की ओर प्रगति की है कि जीवन की औन्नति की ओर प्रगति की है? पूछो जरा से। यदि रोज ये पूछेंगे तो मैं समझता हूं हम सुधार करने लग जाएंगे। पूछते ही नहीं है, कभी आत्मा विश्लेषण करते ही नहीं, एनालिसिस होता ही नहीं है। संत लोग कहते हैं ना, सिंहावलोकन। क्या है सिंहावलोकन? यही है आत्मविश्लेषण। रोज थोड़ा आत्मनिरीक्षण करो, कहां से जीवन बढ़िया बनेगा? आत्मनिरीक्षण ही नहीं कर पा रहे हैं, आश्चर्य है ना। जीवन बीतता चला जा रहा है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था, सोचो जरा, इतना लंबा समय बीत गया, क्या पाया? दौड़ रहा हूं, दौड़ रहा हूं, दौड़ रहा हूं। जीवन का भटकाव या जीवन का ठहराव, मन का भटकाव या मन का ठहराव? मेरा मन ठहरता है या भटकता है? इसी बिहार की बात है, गुरुदेव जी एक आश्रम में थे, बहुत बड़ा आश्रम, नाम नहीं बताऊंगा। वहाँ कई साल की बात, पुरानी बात है, 20-25 साल पहले की बात है। संत बुलाए थे, बहुत बड़े मठ के महंत थे, गुरुदेव जी को आमंत्रित किए, कार्यक्रम किए, सत्संग हुआ। गुरुदेव जी उनके कक्ष में मिलने गए तो बैठे थे बाहर ऊंचाई ऊंचे पर, बरामदे पर, अगर ऊपर के तल पर। तो गुरुदेव जी वो देख रहे, साहब जी वहां तक जो जमीन दिख रही ना, वो जो पेड़ है वो है वो है, वहां सब आस पास के लोग कब्जा कर लेते। मैंने मुकदमा जीत लड़ लड़ करके सारी जमीन को फिर से वापस आश्रम के नाम से किया है। बहुत मेहनत की है मैंने और ये किया। सब जो भी उन्होंने बताया, अपना ऐश्वर्य, ये किया वो किया, उपलब्धि जो भौतिक उपलब्धि किए थे बताते रहे, सारी बातें हुई। गुरुदेव जी ने पूछा, साहब मन शांत रहता है ना? वो कहां शांत रहता है, वही भर तो नहीं होता है। सोचो यदि वो उपलब्धि न होती और मन शांत होता, कौन अच्छा है? साधु की संपत्ति ये भौतिक संपत्ति है, साधु की संपत्ति है अंदर की शांति, अंदर गहरी शांति, वो साधु की संपत्ति है। इतने शिष्य बन गए, इतने हो गए, इतना प्रचार प्रसार हो गया, सब ठगा गए, सही कदी जग तो जगड़े गया, भया योग ना भोग। हम सभी, आप लोग अपने ऐश्वर्य में ठगा जाते हैं और हम लोग ये प्रचार के ऐश्वर्य में ठगा जाते हैं, और दोनों धोखे में जाते हैं, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ हो। रास्ता वही है, जो काम करेगा वही अपने जीवन को सुखमय बनाएगा। तो बात यह थी कि हमें अपने को गढ़ना और छीलना और तराशना है। जीवन अच्छा बनाने के लिए यही करना है। क्या करना है? तराशना है, अपने को तराशना है। मैंने कहा ना, सत्य आपके बाहर नहीं है, सत्य आपसे बाहर नहीं है, शांति आपसे बाहर नहीं, परमात्मा आपसे बाहर नहीं है। क्या करना? एक आदमी आया जो पत्थर के जो कारीगर लोग काम कर रहे थे मूर्ति के लिए, वहां पर आया और वो देर तक देखता रहा, देखता रहा। उसने कहा कि कब से देख रहा हूँ, आप तो बस छिनिया थोड़ी लेकर के खटपुट खुटखुट खुट कर रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ मूर्ति बनाते कैसे हैं। जब से आ रहा मूर्ति बनाते ही नहीं, बस खुट 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 करते चले जा रहे हैं। मूर्तिकार ने कहा, भाई साहब मूर्ति बनाई नहीं जाती है, मूर्ति बनाई नहीं जाती है, इस पत्थर के अंदर तो पहले से ही मूर्ति थी, पहले से ही मूर्ति थी। जो अनावश्यक पत्थर जो उसको ढके थे ना, बस उसी को निकालना है। डिस्कवर की जाती है, आविष्कृत की जाती है, अनावृत की जाती है, अनावरण। और यही साहब का संदेश है, घूंघट का पट खोल रे तो को व्यू मिलेंगे। वो जो अविद्या का पर्दा, वो जो मोह और अज्ञानता का जो पर्दा है ना, उसी को हटाना है, बस परमात्मा प्रकट हो जाएगा। हमें यही करना है, हमें एक ऐसी भूमिका निर्मित करनी है, ऐसा सिस्टम जीवन में तैयार कर लेना है कि वो शांति के फूल खिले, वो सत्य के फूल खिले।
ऐसा थोड़ी हो कहीं से बाहर से आ जाएगा, कोई दान थोड़ी देगा हमको, कोई हमको आशीर्वाद देगा तब हो पाएगा, नहीं। स्वयं को निर्मित करना है, और स्वयं को निर्मित करने का मतलब है किसको निर्मित करेंगे, क्या चेहरे को सुंदर बनाएंगे, क्या घर को सुंदर बनाएंगे जीवन सुंदर हो जाएगा, क्या गाड़ी सुंदर सुंदर ले आएंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा, कपड़े सुंदर सुंदर पहन लेंगे जीवन सुंदर हो जाएगा, और चेहरे को सुंदर बना लेंगे। आजकल तो दुकानें हैं बहुत सारी, यहाँ भी होगी बहुत, तमाम पार्लर है, ब्यूटी पार्लर कहते हैं, नाम भी बढ़िया रखे हैं, सुंदर बनाने की दुकान है ना, सुंदर वहां जाओ कुछ घंटे के लिए सुंदर बन जाओ कुछ घंटे के लिए ना, लेकिन वो भी चेहरे की सुंदरता है, जीवन की सुंदरता नहीं है। जीवन सुंदर कब बनेगा, किसको बना ले सुंदर की जीवन सुंदर बन जाए, एक ही चीज है, एक बस वो है मन। जिसका मन सुंदर उसका जीवन सुंदर, और जिसका मन खराब उसका जीवन खराब, यही तो साहब का संदेश है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले आ गए, एक मन को साध लो। संवारने का मतलब है उसी को ठीक करना, जो आप कर्म करते हैं, जो कर्म करने की स्टूल है। जैसे भी मैंने मूर्ति का उदाहरण दिया, कोई भी मूर्तिकार क्या करता है, औजार लेके आता है, औजार लेकर कोई तो मूर्ति का निर्माण करता है। एक लकड़ी वाला बनाने वाला कारपेंटर होता है, औजार लेकर के आता है, सुनार हो लोहार हो कोई भी, चाहे दर्जी हो, औजार लेकर के आता है। आपको जीवन निर्माण के लिए औजार चाहिए, कौन है औजार वो? सबसे बड़ी बात क्या है, वह औजार बाहर से लाना नहीं है, वो औजार आपके साथ जन्म से मिला हुआ है, कुदरती रूप से प्राप्त है, बिल्कुल आपके साथ है। आवश्यकता क्या है, उस औजार का सही उपयोग करो, बस जीवन बढ़िया बनता चला जाएगा। क्या क्या औजार है जानना चाहेंगे उस औजार के बारे में जो सबके पास है? वो है जैसे बताया मन, वो है वाणी, वो है इंद्रियां। बस जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप करते हैं, जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। यदि गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, जीवन गलत बनता चला जाता है। सही सोचते हैं, सही बोलते हैं, सही करते हैं, जीवन सही बनता चला जाता है। और असली चीज मूल क्या है, आपका मन, आपका विचार, विचार ही मूल है जीवन निर्माण में, यही मूल है। जीवन को सुंदर बनाने के पहले आपको विचार को सुंदर बनाना पड़ेगा। सही सोचो, अच्छा सोचो। अच्छा सोचने का मतलब है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यदि मन में नफरत है, घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, शांति का अनुभव होगा? कभी नहीं हो सकता है। मन में प्रेम हो, मैत्री हो, करुणा हो, क्षमा हो, सहयोग का भाव हो, ये जो हमारे अंदर सद्गुणों का समुच्चय हो, अंदर में ये फीलिंग सब बहुत महत्वपूर्ण है ना। आप महसूस क्या करते हैं हर समय, कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कोई आश्रम में जाए, हमारे कहे बहुत बड़ा आश्रम है आपका, अच्छा बहुत बड़ा आश्रम है तो क्या हो गया, कि सिर पर लेकर चलते हैं आपको, बहुत बड़ा मकान है कि सिर पर लेकर चल रहे हैं। अरे बड़े मकान में आप रहते हो लेकिन एक कमरे में ही तो रहते होंगे, सिर पर उठाए रहेंगे कुछ नहीं, जब कहीं जाएंगे मकान छोड़ के जाएंगे, जब कहीं जाएंगे सब छोड़ कर जाएंगे, पूरा घर द्वार संपत्ति सब छोड़ कर जाएंगे, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ कर जा सकते, अपना विचार, अपना स्वभाव आप साथ लेके जाएंगे, कहीं कहीं भी जाएंगे तो क्या उसे हमने ठीक किया है? वही तो महत्वपूर्ण है, जीवन के साथ सदा रहता है। इसलिए अच्छा सोचो, यदि मन में द्वेष और नफरत है, हम भीतर से जलते रहे स्वयं भी, और वहां से वाणी निकलेगी गलत निकलेगी। अंदर में कड़वाहट है तो वाणी से कड़वाहट निकलेगी, अंदर में कड़वाहट है तो हमारे कार्यों में कड़वाहट होगी, और अंदर मिठास है तो वाणी से मिठास निकलेगी। कबीर साहब की पंक्ति है, जो रहे करवा सो निकरे टोटी, जो करवा में एक बर्तन जिसमें टोटी लगी हो, मिट्टी का घड़ा जिसमें टोटी हो, आजकल तो बड़ा सरल है ना, जो चाय परोसने वाली केटली होती नहीं है, समझ रहे ना, उसमें आप दूध भर दो दूध निकलेगा, चाय भर दे चाय निकलेगी, पानी भर दे पानी निकलेगा, अंदर क्या भरे हैं, क्या संस्कार है,
मन कोई स्वतंत्र द्रव्य थोड़ी है। एक ने बहुत सुंदर कहा, माइंड इज नथिंग बट कलेक्शन आर योर एक्सपीरियंसेस। मन कुछ नहीं है, अनुभवों का संग्रह। बस क्या अनुभव किया है, यदि आपने अच्छा अनुभव किया, सकारात्मक अनुभव किया है जीवन में, यू आर पॉजिटिव पर्सन। यदि आपने नकारात्मक अनुभवों का संग्रह किया है, यू आर निगेटिव पर्सन। कोई अलग है क्या? क्या संग्रह है, क्या याद आती है, आपके मन में क्या चलता है? मैंने कहा ना, किसी अकेले बैठे, अकेले बैठते किसी की याद आई, क्या द्वेष का भाव जगता है, नफरत का भाव जगता है, घृणा का भाव जगता है? बदलाव वही करना है। नहीं, ये मेरे जीवन को गलत दिशा में ले जा रहा है। अब क्या करना है? प्रेम और मैत्री, करुणा और क्षमा, इन सद्गुरुओं को आने दो, तराशने का मतलब ये, गलत को हटाओ। जैसे मूर्ति का उदाहरण दिया, वे पत्थर जो ढके हुए हैं उसको हटा देना, और वे पत्थर जो मूर्ति निर्माण में सहयोगी है उसकी रक्षा करना। यदि मूर्तिकार पर या छिनी हथौड़ी से गढ़ते गढ़ते कहीं जहां पर नाक बन सकती है, उस मूर्ति में बनती है, उसी को जोर से कहीं मार दे हथौड़ी और नाक टूट जाए, तो मूर्ति तो खराब हो गई, विखंडित हो गई। नहीं, उसकी रक्षा करेगा वो। किसको हटाएगा? जो नाक को ढका हुआ अंश पत्थर का है उसे हटाएगा। ऐसे ही जो हमारे जीवन को ढके हुए अंश हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन दुर्गुणों को हटाना है, और उन सद्गुणों को हमारे भीतर उसको सुरक्षित रखनी है, जो हमारे जीवन निर्माण में सहयोगी हैं। तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, ये नियम है। अब अच्छा का मतलब देखिए, इस पर तो विस्तार नहीं करूंगा, ये तो बहुत बड़ा विषय है कि इस विषय पर कई दिनों तक चर्चा होती तब क्लियर। जीवन के बारे में हम अध्ययन ही नहीं करते, न इसकी पढ़ाई स्कूल में होती है, न परिवार में होती है, न समाज में होती है। स्कूल में तो केवल सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, कुछ विषयों का, भाषा का ज्ञान करा देंगे, कुछ विज्ञान का, कुछ अमुक विज्ञान ये है, कुछ भूगोल, बहुत सारी बातें। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई न करें, अवश्य उसकी पढ़ाई करें, लेकिन जीवन की पढ़ाई नहीं होती है, केवल स्कूल की पढ़ाई होती है। स्कूल की पढ़ाई करके आप स्कूल की परीक्षा पास करेंगे, जीवन की पढ़ाई करके आप जीवन की परीक्षा पास करते हैं। जीवन का तो अध्ययन ही नहीं होता है। बहुत से लोग शास्त्र पढ़ लेंगे, ये शास्त्र में लिखा है, ये शास्त्र में लिखा है, ये इस महापुरुष का ये जीवन चरित्र है, उसने ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, पढ़ लिया। जीवन की पोथी कभी पढ़े हैं? जीवन की पोथी के पन्ने खोले हैं? नहीं। जीवन के बारे में तो सुनने ही है, जीवन कहाँ से सुखमय होगा, जीवन में कहाँ से आनंद आएगा? फिर शिकायत से भरा मन, कंप्लेन से बिल्कुल हमेशा शिकायत शिकायत शिकायत, और अशांति और दुख से भरा मन, पीड़ा से भरा मन, कैसा मन है? नहीं, शांत मन वाला हो, और हो सकते हैं, हर आदमी में संभावना है। मैंने कहा ना, कभी भी बदलाव ला सकते हैं आप। एक दिन निकला, बस स्टार्ट, नया दिन फ्रेश शुरू कर देने का हमको है, क्या दिक्कत है? जीवन बदलने के लिए एक संकल्प की जरूरत होती है। हम संकल्प ही नहीं लेते कि मैं अब जीवन को बदलना चाहता हूँ और आज से एक नए ढंग से जीवन की शुरुआत करता हूँ, देखो जीवन बदलने की शुरुआत हो जाएगी। तो हमें क्या बदलना है? अपने विचारों में बदलाव लाना है, अपने शब्दों में बदलाव लाना है। वो तरीका नहीं जो आज पहले सोचते थे, एक सही तरीका अपनाए सोचने का, सही तरीका बोलने का। बोलने के बहुत से, क्या बताऊं, मुंह से कटु निकलता है, काले सुनते हैं कबीर की वाणी, नहीं फॉलो करते हैं। कई सबको याद है बचपने से, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। लेकिन यहाँ बोलते कैसे हैं? स्वयं भी जले, दूसरों को भी जलाएं। अब कहते क्या बताएं, हमारे जीवन में शांति ही नहीं है, मन तनाव से भरा है, भरेगा ना तनाव से? काम ही वही कर रहे हैं जीवन में, कमाई वही हो रही है। जो आप फसल बोएंगे उसी की फसल काटेंगे। ऐसा थोड़ी कि आप कांटा बोलें और फूल पा जाएं। बोया पेड़ बबूल का, ये भी कबीर साहब की पंक्ति है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। देखो सबको तो याद है, वो क्या रहे हैं? बोना यही है, आपका सोचना बोना है, आपका बोलना बोना है, आपका करना बोना है। क्या बो रहे हो, सही या गलत, शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य,
कैसे किसके लिए गलत, किसी दूसरे के लिए भी गलत सोचोगे ना वो आपको प्रभाव डालेगा। ये मत कहो कि मैं दूसरे के लिए सोच रहा हूँ, क्या बताऊं मैं, ये विज्ञान इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है ये विज्ञान, यदि जिस दिन आप इसको अंतर यात्रा करना शुरू करेंगे ना, वो परत दर परत खुलता चला जाता है और आपको लगेगा सचमुच मैं ठगा गया जीवन में, ठगा गया, क्या पाया, जो चीजें हमने पाई है मौत आकर सब छीन ले जाएगी। लेकिन यदि आपने जीवन का निर्माण कुछ देर रोज किया है, उसे मौत नहीं छीन पाएगी, फिर वो नहीं छीन पाएगी। आपके जो संस्कार होंगे ना, जो संपत्ति आपने भीतर इकट्ठा की ना, मौत नहीं छीन सकती है। आपका मकान छीन लेगी, गाड़ी छीन लेगी, ऐश्वर्य छीन लेगा, लेकिन आपने जो शांति की संपत्ति कमाई है, मौत की हिम्मत नहीं है कि उसको छीन सके। ऐसी संपत्ति कमाओ जो विपत्ति में सहायक हो। और सबसे बड़ी विपत्ति है मौत। मौत में कौन सहायक है, जरा देखो इस चीज को, वो कमाई करनी है। कुछ बातें मैंने कही नहीं भाई, अब रबर थोड़ी खींचते चले जाओ आप लोग थोड़ी थोड़ी, मैं तो बस कब से बंद कर देता, लेकिन और कहते हैं और थोड़ा। देखिए ये विषय मेरा खत्म नहीं होगा, मैं बोलता ही रहूंगा अभी एक बजे तक के, लेकिन बोलते बोलते तो ठीक है, सुनने वाले उठ जाएंगे, कब बंद करें तो भागे यहाँ से। सबके मन में हो रहा है, फिर ओवरडोज देना ठीक नहीं रहता है, है ना, ओवरडोज देना ठीक नहीं रहता है। तो रामदास जी वो कार्रवाई करो आगे वाली। प्रभु भगत जी आइए, कुछ बातें मैंने कही, बहुत ही सद्गुरु कबीर साहब की बातें सरल हैं, कठिन भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल सरल है। कठिन बात और रटवासी की बातें तो पंडितों को धद बुलाने के लिए बोलते थे वो, कि पंडित लोग जो बहुत अपने आप को संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते थे, जरा मेरी बातों को सुन करके देखो, जरा इसका अर्थ लगाओ, बरसे कंबल भीजे पानी, समझ ही नहीं पाते थे क्या कह रहे हैं, तो वो कठिन होता था। लेकिन आम जनता के लिए इतनी सरल बातें कहते थे कि आप पढ़ते जाओ, जैसे मेरी पंक्ति कही ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, कौन सा कठिन है, ये मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे सालय सकल शरीर, कोई कठिन है, सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ, कौन सा कठिन है, पढ़ते जाओ, समझते जाओ। कोई हिंदी भी सामान्य पढ़ा होगा वो पढ़ता जाएगा, समझता जाएगा, समझते सब हैं। महत्वपूर्ण है करते कितने लोग हैं, जो करेगा वही पहुंचेगा। इसलिए हम सभी हम कबीर के विचारों को पढ़ें, और जो उसमें बातें जीवन निर्माण के लिए बताई गई हैं, जीवन को सुख शांति पूर्वक जीने के तरीके बताए गए हैं, एक सुंदर जीवन निर्माण के लिए, एक सुंदर परिवार रचना के लिए, एक सुंदर समाज के लिए, एक सुंदर राष्ट्र निर्माण के लिए जो संदेश सद्गुरु कबीर ने दी है, उस संदेश को जीवन में आत्मसात करें और स्वयं सुखमय जीवन जिए और दूसरों को सुखमय जीवन जीने में सहयोगी बने। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं, और प्रभु भगत जी का जो आज जन्मदिन है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनके पूरे परिवार के लोगों को, कि आप सभी सतपथ पर आगे बढ़ते रहें और जीवन का जो हिस्सा बचा है आपका स्वस्थ हो, प्रेम पूर्ण संबंध हो, समृद्ध हो और शांतिदायक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी में विराम। हेलो।